sir! पूर्व मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती को राजकीय सम्मान के साथ किया गया पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। जिले के डीसी एसपी रहे मौजूद, बेटे विधायक भानु प्रताप शाही ने दी मुखाग्नि। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती व विधायक भानु प्रताप शाही के पिता को केतार प्रखंड के उनके पैतृक गांव कधवन में राजकीय सम्मान के साथ रविवार को सोन नदी के तट पर उनके बेटे विधायक भानु प्रताप शाही ने चिता को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। वहीं अंतिम संस्कार से राज्य सरकार के निर्देश पर पहले जिले के डीसी रमेश घोलप, एएसपी अंजनी कुमार झा, एसडीएम आलोक कुमार, अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रमोद केसरी व स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें राजकीय सम्मान देकर पुलिस के जवानों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें तिरंगा समर्पित कर सम्मान देते हुए भव्य सलामी दिया। आपको बता दें, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन गत शनिवार की शाम इलाज के दौरान रिम्स के अस्पताल में हो गई थी। वहीं उनके शव को एम्बुलेंस से सर्वप्रथम परसोडी गांव लाया गया, जहां गांव में शव पहुंचते ही हजारों की संख्या में ग्रामीण उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद पूर्व मंत्री का शव पैतृक गांव कदवन लाया गया, जहां सोन नदी के तट पर अंतिम संस्कार विधायक भानु प्रताप शाही ने किया। अंतिम संस्कार के दौरान डीसी, एसपी, पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा, पूर्व विधायक सह जेएमएम नेता अनंत प्रताप देव, एसडीएम, पुलिस इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह, कृष्णा कुमार, थाना प्रभारी संतोष कुमार रवि, भवनाथपुर बीडीओ जयपाल महतो, खरौंधी बीडीओ, जीप अध्यक्ष शांति देवी, जीप सदस्य ज्वाला प्रसाद, प्रमुख प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद, सूर्यदेव सिंह सहित गढ़वा जिले के अलावा विभिन्न राज्य व अन्य जिले के हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, उनके शुभचिंतक, ग्रामीण लोग हजारों की संख्या में अंतिम यात्रा में शामिल हुए। Good.